मैं हूँ प्रतिमा और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रतिमास परी किचन में। दोस्तों, अरबी का पात्रा, अरबी की सूखी वाली सब्जी तो आप अक्सर ही घर पर बनाते होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अरबी की रसे वाली सब्जी की रेसिपी। मैंने आपके साथ अरबी की सूखी सब्जी की रेसिपी पहले शेयर किया है, पर आज मैं आपके साथ रसेदार सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाने का तरीका बेहद आसान है। ना तो अरबी को इसमें बॉयल करना है और ना ही फ्राई करना है, फटाफट से बहुत ही कम समय में ये सब्जी बनकर के तैयार हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी शुरू करते हैं और देख लेते हैं अरबी की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अरबी की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 kg के करीब अरबी, 1 छोटी प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच पीली वाली सरसों, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हींग, हरा धनिया, नमक और मस्टर्ड ऑयल लिया है। सबसे पहले अरबी को अच्छे से धुलकर इन्हें छील लेंगे। छीलने के बाद इन्हें इस तरह से 4-4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने अरबी को कट कर लिया है। अब इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसे अच्छे से धुल लेंगे। तब तक की सब्जी के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे लहसुन की कलियां, 1 छोटी प्याज, इसे रफली कट कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और इसी के साथ ऐड करेंगे लगभग 2 चम्मच के करीब पीली वाली सरसों। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस कर इसका मसाला रेडी कर लेंगे। दोस्तों, इस सब्जी को बनाने के लिए आप येलो वाला मस्टर्ड मसाले में ज़रूर यूज़ करें और इसे मस्टर्ड ऑयल से ही बनाएं, इससे इस सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। लगभग 10 मिनट बाद ये देखिए, अरबी को मैंने साफ पानी से अच्छे से धुल लिया है। तो चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए फ्लेम ऑन करके कुकर रखेंगे। अब इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें अजवाइन डालेंगे और इसी के साथ अरबी को भी डाल देंगे और अरबी को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि अरबी का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। लगभग 5 मिनट भूनने के बाद इसका कलर लाइट गोल्डन हो गया है। तो बस इसी समय पर जो हमने मस्टर्ड वाला मसाला रेडी किया है उसे डाल देते हैं। अब मसाले को तब तक ही भूनना है जब तक कि मसाले से ऑयल रिलीज ना होने लगे। थोड़ी देर के बाद ये देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें चलिए सूखे मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी हींग और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। अब मसाले को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं हल्का गरम पानी, लगभग 1 ग्लास के करीब। गरम पानी इसलिए यूज़ करेंगे जिससे कि कुकिंग जल्दी हो जाए। और पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना कि आपको गाढ़ी या पतली ग्रेवी चाहिए। अब कुकर की लिड लगाएंगे और बस 2 सीटी आने तक वेट करेंगे, क्योंकि हमने अरबी को भूना था तो अरबी जल्दी से कुक हो जाएगी। ये देखिए, सीटी आ गई है। तो चलिए फ्लेम को अब कर देते हैं ऑफ और कुकर को ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सब्जी रेडी हो गई है, अच्छे से अरबी कुक हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म मस्टर्ड वाली अरबी की रसेदार सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। इस सब्जी को आप रोटी, पराठे या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आपने देखा दोस्तों, इसे बनाने में कितना कम समय लगा। ना तो अरबी को बॉयल करना पड़ा, ना ही फ्राई करना पड़ा, फटाफट से ये सब्जी बन करके तैयार हो जाती है। तो आप भी दोस्तों ये अरबी की रसे वाली सब्जी ज़रूर बनाना ट्राई कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिमास परी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।